गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसमें भी प्रॉपर्टीज़ है हमारी, लीनियरिटी है, टाइम रिवर्सल है, कॉन्जुगेशन है, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, इस टाइप से सारी कन्वोल्यूशन भी है टाइम में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो सबसे पहले लीनियरिटी डिस्कस करते हैं। लीनियरिटी में क्या है कि मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है दोनों जगह पे। मान लीजिए यहाँ पे कोई सिग्नल x1t है, उसके साथ में कोई हमने कांस्टेंट a1 मल्टीप्लाई किया, एक दूसरा सिग्नल है उसको हमने ऐड किया है, वो है x2t, उसके साथ हमने कोई a2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो x1t का हमारा हो जाएगा x1 ओमेगा, ठीक है, और ये हमारा जो कांस्टेंट है सेम कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद सेकेंड x2t जो है हमारा, वो हो जाएगा हमारा टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओके, और हमारा लेकिन ये कांस्टेंट सेम रहेगा। तो इस तरीके से जैसा टाइम डोमेन में है वैसा ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट को सेम तरीके से जैसे कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई है वैसे भी इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। सेकेंड है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल ठीक, टाइम रिवर्सल में क्या है कि जैसे कि हमने टाइम को रिवर्स किया है, एक्स ऑफ टी के जगह हमने माइनस टी कर दिया है, ओके, टी के जगह हमने माइनस टी कर दिया है, तो इसका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिर्फ ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा पुट कर देंगे, ठीक है। टाइम रिवर्सल में एक्स ऑफ टी कुछ भी दिया होगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी या कुछ भी दिया हो, यू टी कुछ भी दिया हो, तो जहाँ टी के जगह अगर वो माइनस टी उसने कहते हैं कि हमने टाइम रिवर्सल किया है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो भी होगा उसका लिखेंगे ओमेगा की जगह वहाँ माइनस ओमेगा लिख देंगे, क्लियर है। थर्ड है हमारा कॉन्जुगेशन। थर्ड है हमारा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका हमने कॉन्जुगेट किया, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट तो होगा ही साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी का रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। टाइम डोमेन में क्या हो, टाइम रिवर्सल में क्या होगा, जो हमने टाइम का रिवर्सल किया तो इधर फ्रीक्वेंसी में रिवर्सल कर देंगे। बट कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो अगर कॉन्जुगेशन में हमने x कॉन्जुगेट t किया है तो यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा करेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन इस पे देखेंगे, एक एग्जांपल है, यहाँ से करते हैं एग्जांपल, ये इसी का कॉन्जुगेशन का ही है एग्जांपल। x ऑफ t इसका है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा, जो कि दिया हुआ है 1/3j-5 ओमेगा, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेशन करना है। तो जब हम टाइम डोमेन में कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, एक्स कॉन्जुगेट टी लिखेंगे। टाइम डोमेन में हमने कॉन्जुगेट किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ साथ ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा करेंगे, तो ये ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया ओमेगा का, ओके। उसके बाद कॉन्जुगेशन लेना है, कॉन्जुगेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 3j हो जाएगा
माइनस फाइव तो है ही ऐड, उसको वैसे ही रखेंगे। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू प्लस थ्री जे प्लस फाइव ओमेगा। क्लियर है, एक्स ऑफ टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है वन अपॉन टू प्लस थ्री जे माइनस फाइव ओमेगा। अब हमें कॉन्जुगेट इसका लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट लिया टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कॉन्जुगेट और ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा। तो इसमें हमने क्या किया, पहले तो क्या किया, कॉन्जुगेट किया, ठीक है। कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है वहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट जहाँ पे था वहाँ हमने माइनस किया, और ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा, तो इस ओमेगा की जगह जब माइनस ओमेगा रखा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे आया, ये इसका माइनस पहले से यहाँ था, इसको बाहर किए तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा फाइनल कॉन्जुगेशन इस तरीके से हो गया, क्लियर है। अब इसको इरेज करते हैं, सेकेंड देखते हैं, इसके बाद फोर्थ नंबर वाली, फोर्थ नंबर है हमारा टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग है फोर्थ नंबर पे, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में क्या है, कोई सिग्नल है एक्स टी, उसको हमने टी नॉट से शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा नॉट, ठीक है, एक्स टी का एक्स ओमेगा नॉट, और जो शिफ्टिंग टर्म है इसको क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, जो भी शिफ्टिंग का टर्म रहेगा उसको ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर में करके लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्लियर है। एक्स टी का एक्स टी है तो उसका एक्स ओमेगा होगा, क्योंकि ये टाइम डोमेन है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, इसलिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया हमने, क्लियर। फिफ्थ है हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या है, ई टू पावर माई ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी, ये हमारे पास सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करनी है, ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी है, इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करनी है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा होगा, ठीक है, और जो भी यहाँ पे है उसको हम शिफ्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग करनी है, इसलिए यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको यहाँ पे माइनस करके शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमें टाइम शिफ्टिंग था, तो जो भी यहाँ टाइम शिफ्ट था उसको इसके साथ, इस साइन के साथ में यहाँ पे हमने लिख दिया था, क्लियर। उसी तरीके से जब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा होगा, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसी को ने शिफ्ट करना है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये याद रखेंगे कि यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग में जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ रखना है, बट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में जो साइन यहाँ रहेगा इसका अपोजिट, मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता पहले से ई टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, देन यहाँ पे प्लस रखते, ठीक है, ये याद रखना है हमें, ये याद रखना है जो साइन यहाँ पे होगा उसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है, क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।